प्रीवियस क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन के बारे में बात किया था। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, जैसे कोई भी दो इंटीजर है ए एंड बी, एक इंटीजर ए है और सेकंड इंटीजर क्या है, दूसरा इंटीजर क्या है, बी है। अगर हम दोनों इंटीजर को ऐड कर देंगे जो ए प्लस बी होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन खुद बनाया कीजिए आप लोग। फॉर एनी इंटीजर किसी भी इंटीजर के लिए ए एंड बी, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, क्या कहा डेफिनेशन में, क्या है, कोई भी इंटीजर ए एंड बी है अगर उसको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, तो वो भी क्या होगा, वो एक इंटीजर ही हो। जैसे एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे एक इंटीजर 5 है, ए इज इक्वल टू 5 है, मैं ए को 5 मान रहा हूँ, बी क्या है 2 है, ए प्लस बी हम करेंगे, ए प्लस बी में 5 ए की जगह, बी की जगह 2, रिजल्ट क्या है 7, हमने ऐड कर दिया 7 था। ये इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो जो हमारा रिजल्ट आया ऐड करने के बाद ये भी क्या होगा बच्चों, इंटीजर ही होगा। ठीक है, साइन किसी का भी लगा हो लेकिन ऐड होना चाहिए। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, ए क्या है मान लो -5 है, बी क्या है 2 है, तो यहाँ ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, ए की जगह -5, बी की जगह 2, ऐड किया हमने -5 और +2। माइनस और प्लस का हम लोग अगर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 -2 3 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाले साइन के साथ वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, इसलिए साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव। ये है क्लोजर अंडर एडिशन। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसमें, जैसे दोनों नेगेटिव ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू -5 है, बी इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, ए इज इक्वल टू -5 है, बी इज इक्वल टू -6, तो ए प्लस बी क्या होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो जो हमारा ए प्लस बी निकल के आएगा वो भी हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर ही नहीं होगा, विल बी ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर होगा। जैसे ए की जगह -5 है और बी की जगह क्या है -6 है, लेकिन हमें ऐड करना है ना, ए प्लस बी है, प्लस ए की जगह -5, साइन प्लस का है, प्लस का साइन, बी की जगह -6 है तो -6। ठीक है, ऐसे -5 को एज इट इज रहन दीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो -6। मैंने बताया अगर साइन दो वैल्यू में साइन नेगेटिव का हो तो उसको वैल्यू ऐड हो जाती है, लेकिन साइन हमेशा किसके रहता है, नेगेटिव का, तो -5 और -6 क्या हो गया 11, लेकिन साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। ये भी क्या हो गया, इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, लेकिन ए प्लस बी जो निकल के आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये था क्लोजर अंडर एडिशन। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, चलिए क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके पहले हमने क्या बात किया, क्लोजर अंडर एडिशन, अब क्या बात कर रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, एक इंटीजर ए है और सेकंड इंटीजर क्या है, बी है, अगर हम दोनों ए माइनस बी कर देते, दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, तो जो नया जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर ही होगा। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग कैसे बनाएंगे, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अगर a एंड b दो इंटीजर है, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी होगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। मैं इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को, जैसे a की वैल्यू मान लीजिए आप लोग 5 है और b की वैल्यू मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए की जगह 5, बी की जगह 3, 5 - 3 क्या होता है 2, ये जो 2 आया आंसर में ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा।
हमेशा ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। चलिए ये की जगह हम लोग मान लेते हैं कोई वैल्यू माइनस थ्री है, और बी की जगह हम लोग मान लेते हैं जैसे माइनस सिक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर बी है, दो इंटीजर है। अब हम लोग इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। ए की जगह माइनस थ्री, माइनस थ्री, साइन किसका, माइनस का साइन लगाइए, और बी की जगह क्या है, माइनस सिक्स, माइनस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। माइनस थ्री एज इट इज रहने दीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव प्लस सिक्स, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, सिक्स में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्री बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन, इसलिए साइन किसका आ गया, पॉजिटिव का। ये बातें मैंने हमेशा बताई हैं, हर वीडियो में कई बार रिपीट होती है कि जिस वैल्यू के साथ, बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन आएगा रिजल्ट में वही साइन आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या आया, प्लस थ्री क्या निकल के आया, ये भी एक इंटीजर। मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर अंडर एडिशन, अगर ए और बी कोई भी इंटीजर है जो उसका रिजल्ट आएगा, ए प्लस बी अगर हम लोग करेंगे जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर ए और बी टू इंटीजर है सब्ट्रैक्शन में, और ए माइनस बी अगर हम लोग उसका करेंगे और जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में ही वैलिड है, ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं करता है इंटीजर्स के लिए। चलिए जैसे एक इंटीजर ए है और सेकंड इंटीजर बी है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एक इंटीजर ए है एक इंटीजर बी है, चाहे हम उसको ए को पहले ऐड करें बी को बाद में, चाहे बी को पहले ऐड करें ए को बाद में, लेकिन जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये सिर्फ एडिशन में ही वैलिड है, सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताता हूँ एडिशन में कैसे वैलिड है और सब्ट्रैक्शन में कैसे वैलिड नहीं है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ए इज इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया फाइव, अब बी इज इक्वल टू हमने ले लिया माइनस सिक्स, ठीक है। चलिए करते हैं, ए प्लस बी ये दोनों बराबर होने चाहिए, बी प्लस ए, यही है ना कॉम्यूटेटिव। चलिए इसकी जगह वैल्यू रख के देखते हैं, ये वैल्यू इक्वल आता है, इक्वल आती है वैल्यू कि नहीं है। ए की जगह फाइव है, फाइव प्लस है, प्लस लगाइए, बी की जगह माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स रखिए, इज इक्वल टू, बी की जगह माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स रखिए, साइन पॉजिटिव का है, पॉजिटिव, ए की जगह फाइव है तो फाइव, तो फाइव प्लस माइनस माइनस होता है माइनस सिक्स, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिक्स में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे वन, सिक्स के साथ साइन क्या है, नेगेटिव का, और सिक्स क्या है, बड़ी वैल्यू है फाइव, तो साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ फाइव माइनस सिक्स, यहाँ भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू दोनों के आ गई बराबर, ये दोनों के आगे वैल्यू बराबर, ठीक है। एडिशन में क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू सेवन है और बी इज इक्वल टू क्या है, थ्री है, माइनस थ्री है, ए को भी माइनस ले लेते हैं, ए की वैल्यू माइनस सेवन है, बी की वैल्यू भी माइनस थ्री है, तो कॉम्यूटेटिव कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब देखते हैं ये यहाँ पे ट्रू होता है कि नहीं, ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये इस वैल्यू में ए और बी की ट्रू होती है कि नहीं, चलिए करके देखते हैं। ए की जगह माइनस सेवन, साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव, बी की जगह माइनस थ्री, माइनस थ्री, और बी की जगह क्या है, माइनस थ्री, प्लस ए की जगह क्या है, माइनस सेवन, तो माइनस सेवन क्या हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस माइनस 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 थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस 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 सेवन, ठीक है। और माइनस थ्री और माइनस सेवन दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सेवन प्लस थ्री टेन, तो टेन हो गया, साइन किसका रहेगा, लेकिन नेगेटिव का है, ये दोनों भी नेगेटिव का साइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सेवन प्लस थ्री टेन, और साइन किसका है, नेगेटिव का, नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गई, वैल्यू बराबर हो, एडिशन में तो ये ट्रू हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या हो गया, ट्रू। अब हम लोग देखते हैं इसको सब्ट्रैक्शन में ये ट्रू क्यों नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए वैलिड है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड क्यों नहीं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये इक्वल नहीं होता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में ये इक्वल नहीं होता। मैं इसको एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 4, माइनस करके b की जगह 4 इज इक्वल टू 4, b की जगह 4 माइनस a की जगह 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, नेगेटिव वाली साइन के साथ वैल्यू बढ़ी है इसलिए नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि 4 क्या है बड़ा नंबर है इसके साथ साइन, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक चीज और, जैसे कॉम्यूटेटिव एडिशन के लिए ही वैलिड है वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है एडिशन के लिए वैलिड होता है। तो मैं इसको, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होता है, लेकिन इसमें b प्लस सी को यहाँ पे एक साथ कर दिया है और a प्लस बी को यहाँ पे क्या कर दिया एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड क्यों नहीं होता ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 4 ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस बी की जगह क्या रखेंगे माइनस 4 प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे 3, बी की जगह क्या रखेंगे माइनस 4 ब्रैकेट प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये 3 है प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस 4 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव के साथ वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, तो साइन नेगेटिव का, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। 3 प्लस माइनस 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 4 प्लस 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस तो 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस में वैल्यू क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस के साथ 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, माइनस के साथ वाली वैल्यू बढ़ी इसलिए साइन किसका नेगेटिव का प्लस 2, तो यहाँ से वैल्यू 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ी इसलिए साइन पॉजिटिव का, यहाँ भी पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ी इसलिए साइन पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली इन एडिशन। अब ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड क्यों नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्यों वैलिड नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, a की वैल्यू 2 मान लिया, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू 5, हमने 3 वैल्यूज कंसीडर कर ली, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह 2 साइन नेगेटिव का साइन, b की जगह माइनस 3 माइनस 3, c की जगह क्या है 5 इज इक्वल टू, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है माइनस 3 माइनस 3, एक साथ ब्रैकेट में माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस 3 माइनस 5 वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, दोनों नेगेटिव में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 5 प्लस 3 8, लेकिन साइन किसका रहेगा नेगेटिव का है, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है।
टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस एट इज इक्वल टू टू प्लस थ्री फाइव फाइव माइनस फाइव एट प्लस टू कितना हो जाएगा टेन और फाइव में से फाइव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो तो वैल्यू क्या हो गई इक्वल नहीं है इसलिए मैंने अभी क्या बताया ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वैलिड ओनली इन एडिशन ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वैल्यू उसकी हमेशा क्या आएगी इक्वल ही उसकी वैल्यू होल नंबर के ही बराबर आएगी। होल नंबर क्या होता है जीरो वन टू थ्री फोर जो इन्फिनिटी तक जाता है उसे ही होल नंबर कहते हैं। मैंने पहली क्लास और सेकेंड क्लास में नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया नेचुरल नंबर होल नंबर इवन नंबर इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। चलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है अगर कोई भी इंटीजर ए है अगर हम लोग उसमें जीरो ऐड करते हैं इसकी वैल्यू ए के ही इक्वल आएगी। कोई भी इंटीजर है अगर हम लोग कोई भी होल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर के ही इक्वल आएगी। ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए इजक्वल टू जीरो प्लस ए। मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ जैसे ए इज इक्वल टू 16 है या फिर 6 ही मान लीजिए इतनी बड़ी वैल्यू रहने दीजिए ए इज इक्वल टू 6 है ए की जगह क्या रखेंगे 6 और इसमें क्या करना है एडिटिव आइडेंटिटी है तो जीरो ऐड करेंगे जीरो ऐड किया क्या आया 6 प्लस जीरो 6 अब यहाँ जीरो है जीरो में 6 ऐड कर देंगे फिर भी 6 ही आएगा कुल मिला के ये क्या हो गया ट्रू हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो ऐड करने से किसी भी होल नंबर ठीक है। आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे ओके ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू एवरीवन।